दोस्तों, यह है मारुति की सबसे महंगी गाड़ी, मारुति सुजुकी इनविक्टो, जिसको आप रीबैश टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस भी कह सकते हैं। फ्रंट लुक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो चेंज मिलता है मारुति सुजुकी का लोगो, और ग्रिल जो है आपको यहाँ पे मिलती है। अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पे आपको LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स मिलती है, जो कि काफ़ी कमाल का थ्रो देती है। और नीचे के साइड में यहाँ पे जो आपको टर्निंग इंडिकेटर्स मिलते हैं। फ्रंट की अगर आप लुक्स देखें ना, तो फ्रंट की लुक छोड़ के आपको जो ऑलमोस्ट बाकी की सारी लुक्स टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस जैसी ही मिलती है। ये है इनविक्टो का जेटा वेरिएंट 7 सीटर में, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के VX वेरिएंट के साथ। इस गाड़ी के अंदर आपको जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है। उसके अलावा आप इसके जो ये अलॉयज भी देख सकते हैं, 17 इंच के आपको बड़े से अलॉयज मिलते हैं। प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं किस तरह की है। साइड मिरर्स के अंदर आपको टर्निंग इंडिकेटर्स मिलेंगे। डोर हैंडल्स बॉडी कलर से मैच है, और इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो आपको टोयोटा वाली मिलती है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। रेयर लुक की अगर हम बात करें तो अगेन हाईक्रॉस जैसी ही आपको रेयर लुक मिलती है। मुझे पर्सनली जो लुक्स है वो काफ़ी पसंद आती है हाईक्रॉस की और इस भी गाड़ी की, और कंप्लीट सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही आपको मिलती है। और ये जो गाड़ी है, इसकी अगर हम कीमत के बारे में बात करें ना, तो 25 लाख के अराउंड ये गाड़ी आती है। हाइब्रिड गाड़ी है तो आपको इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है। इनविक्टो की यहाँ पे बैजिंग दी है, और अगर हम बूट की बात करें ना, तो आपको बूट स्पेस भी काफ़ी बड़ी मिलती है। ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट गाड़ी है, आप इसको जो इनोवा क्रिस्टा से भी बेस्ट मान सकते हैं। पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी स्पेस है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम नीचे देखें ना, तो यहाँ पे भी आपको जो स्पेस मिलती है, इस यहाँ पे भी आप स्टोरेज कर सकते हैं। सीट्स को आप फोल्ड करके जो स्टोरेज स्पेस है वो और भी जो है बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा ये जो सीट्स हैं काफ़ी कमाल के हैं, आप इनको जो है काफ़ी अच्छी डिग्री तक जो है रिक्लाइन भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा ना कि पीछे के जो दोनों पैसेंजर्स बैठेंगे ना, तो ये भी काफ़ी आराम से बैठेंगे। आप देखना एक बार कि कितना ज़्यादा रिक्लाइन एंगल आपको यहाँ पर मिलता है, तो 7ों लोग इसके अंदर जो ये कम्फर्टेबली बैठ पाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे पीछे की अगर हम बात करें ना, तो आपको काफ़ी सारा क्रोम मिलता है, एक रेयर वाइपर आपको मिलता है, और ऊपर के साइड में एक स्टॉप लैम्प दिया है। ऑलमोस्ट गाड़ी मतलब बाहर से पूरी देख चुके हैं डायरेक्टली। अभी हम चले गए गाड़ी के अंदर, और अंदर क्या माल मसाला है ना, उसकी बात करते हैं। अंदर हमें कुछ डिफरेंस मिलता है या नहीं, उसकी बात करते हैं। सो यहाँ पे आप इंटीरियर देखना, डोर पैनल सबसे पहले आप यहाँ पे देखना, चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स। यहाँ पे एक अलग सी फिनिशिंग दी है, ब्रॉन्ज कलर की आपको यहाँ पे एक फिनिशिंग मिलती है बॉटल होल्डर से नीचे। और सीट्स आपको यहाँ पे जो है ये एडजस्टेबल मिलती है। उसके अलावा जो स्टेयरिंग है, उसके ऊपर आपको सुजुकी का लोगो मिलता है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, देन 8 इंच का यहाँ पे आपको जो इन्फोटेन डिस्प्ले मिलता है। ये गाड़ी के अंदर आपको जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, मैनुअल का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ड्राइव मोड्स, EV मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, जैसे आपको बहुत सारे फीचर्स भी इसके अंदर मिल जाएंगे। और यहाँ पे कुछ पोर्ट्स दिए हैं। स्टोरेज स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है, काफ़ी डीप है बॉक्स। और सीट्स आपको जो काफ़ी मुलायम मिलती है, फैब्रिक सीट कवर्स है। ऊपर के साइड में आपको जो ये वैनिटी मिरर्स भी मिलती है विथ लाइट है। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम सुजुकी के अंदर आपको जो दोनों साइड में विथ लाइट जो है ये वैनिटी मिरर्स मिल रही है, काफ़ी एक प्रीमियम टच यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है। और जो रेयर व्यू मिरर है, ये आपको जो ये मैन्युअली एडजस्टेबल मिलती है। उसके अलावा इंटीरियर के अंदर आपको ऐसा कुछ एडसेच चेंज नहीं मिलता है। बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी। उसके अलावा यहाँ पे आप पीछे भी देख पाओगे, आपको जो ये AC के कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, बिकॉज इस गाड़ी के अंदर AC काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ऊपर भी आप देख सकते हैं, आपको दोनों साइड में जो दो दो वेंट्स दिए हैं, पीछे के साइड में भी एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पर जो दी गई है। उसके अलावा रीडिंग लैम्प भी जो ऊपर दिया है, और स्पेस इसके अंदर काफ़ी कमाल की है। कार्निवल के बाद मुझे इसकी स्पेस काफ़ी पसंद आई। और यहाँ पे ये सीट्स आप फोल्ड करके पीछे जा सकते हैं, पीछे के लिए भी आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है। पीछे 3 लोग बैठेंगे, और यहाँ पे आगे आपको 2 पायलट सीट मिलते हैं, बिकॉज ये 7 सीटर है। अगर आप 8 सीटर लेते तो यहाँ पे भी आपको एक बेंच मिलता है, बीच में भी जो ये 3 लोग बैठेंगे। एडजस्टेबल हैंड रेस्ट और कप होल्डर्स यहाँ पे दिए है, जिन यहाँ पे 2 USB-C पोर्ट्स दिए है, एक्चुअली सी पोर्ट्स दिए है, सी टाइप के पोर्ट्स दिए है। और देन ये कुछ आपको चीज़ें मिलती है, डोर पैनल के अंदर आपको जो ये लेदर की जो फिनिशिंग मिलेगी, और सन वाइजर्स भी जो है दिए गए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें ना गाड़ी की, तो काफ़ी कमाल की गाड़ी है, और प्राइस रेंज भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ज़रूर से ये जो गाड़ी है ये काफ़ी अच्छी सेल होने वाली है। और आपको ये गाड़ी कैसी लगी है, आप मुझे ज़रूर से जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।